सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज का वीडियो जो मैं इसको लेकर आया हूं, और ये वीडियो है, देख सकते हैं, ये पुरानी दिल्ली यमुना रिवर का जो नया ब्रिज बनाया जा रहा है उसका कंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ आप सभी को। तो बने रहिए और आपको दिखाते हैं क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, वो सब कुछ आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं, बने रहिए इस वीडियो के साथ में। यमुना पर बने 155 साल पुराने लोहे के पुल का बोझ कम हो जाएगा। रेलवे ने पुराने पुल के बगल में नया पुल बनाने का काम तेज कर दिया है। साल 2023 तक इसके तैयार होने की उम्मीद है गाइस। इस बीच 3 से 4 साल में काम पूरा होना था। सन 2003 में शुरू हुआ था पुल, 20 साल बाद बनकर तैयार होगा। रेलवे का कहना है कि नए पुल दिसंबर 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। नया पुल करीब 950 मीटर लंबा होगा। बाद में बता दें कि लाल किले के पीछे सलीमगढ़ किले के पास यमुना नदी पर बन रहे नए लोहे के पुल का सफर काफ़ी लंबा और कठिन रहा है। काम शुरू होने के बाद काफ़ी परेशानी हुई, जो 3 से 4 साल में पूरी हुई। पुराने लोहे के पुल को अंग्रेजों ने 1867 में बनवाया था। लंबे समय से इसकी जगह दूसरा पुल बनाने की बात चल रही थी। यमुना नदी पर एक नए पुल की मंजूरी 1997-98 के बीच मिली थी, लेकिन काम 2023 में शुरू हुआ था। दोस्तों, रेलवे अधिकारियों का कहना था कि इस दौरान रेलवे ने नया नदी के बैल फाउंडेशन बनाने का काम जारी रखा। इस दौरान यमुना की धार से बाहर 9 बैल फाउंडेशन तैयार कर लिए गए। 5 बैल फाउंडेशन यमुना की धार के बीच में आ रहे थे, इनका काम बंद करना पड़ा। मानसून से पहले फाउंडेशन का काम पूरा कर लिया गया था। अपनी आयु के करने के बाद भी यमुना पर बना पुराना लोह पुल राजधानी में रेल और सड़क मार्ग से आगमन का मुख्य साधन रहा। 150 साल से ज़्यादा पुराने इस पुल के माध्यम से पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन सादरा के रास्ते गाजियाबाद से जुड़ता है। इससे रोजाना 150 से ज़्यादा ट्रेन और मालगाड़ी गुजरती हैं। इस पुल पर रेल लाइन के बीच सड़क मार्ग भी है। दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा वर्ष 1967 में 16,16,335 पाउंड की लागत से इस पुल को बनवाया था। आज के समय एक पाउंड की कीमत 95.4 रुपये है। इस हिसाब से इसकी लागत भारतीय मुद्रा में करीब 15,36,1100 रुपये है। इस समय सिर्फ एक लाइन बनी थी। इसके बाद 1913 में दूसरी लाइन बनाई गई। इसमें 202.5 फीट के 12 स्पैन तथा अंतिम दो स्पैन 34.5 फीट हैं। इनकी लंबाई 700 मीटर है। इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए ब्रेड एंड कंपनी लिमिटेड ने वर्ष 1930 में 1934 में 23,31,396 पाउंड की लागत से इस पुल के स्टील गार्टर को बदला था। पुल को ब्रिटेन में तैयार करने के बाद इसे यहाँ लाकर स्थापित किया गया था। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें गाइस, और ये है, देख सकते हैं, पुराना दिल्ली का ये यमुना रिवर पर पुराना ब्रिज जिस पर ये रेलगाड़ी गुजर रही है, पुरानी दिल्ली के लिए जा रही है। देख सकते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें हैं यहाँ की। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना ज़्यादा से ज़्यादा।
और शेयर करना हमारी वीडियो को। तो आगे चलते हैं, पुराने वाले पुल पर दिखाते हैं कि कैसे जर्जर हो चुका है ये, और देख सकते हैं इस पर अभी खतरा बना हुआ है क्योंकि 155 साल पुराना ये हो चुका है अब तक, और नया वाला अब तक बनके तैयार नहीं हुआ है क्योंकि बेल फाउंडेशन बना दिए गए हैं यमुना रिवर के नए ब्रिज के लिए, और लेकिन अभी ट्रैक भी नहीं बिछाया गया। ये आगे जाके कनेक्ट हो जाएगा इसी लाइन में, पुरानी वाली लाइन में ये कनेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ये 2023 के दिसंबर तक ये मतलब रेलवे कह रही है कि इसको बिल्कुल तैयार कर लिया जाएगा, ऐसा मानना है रेलवे का। तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आगे चल के। देखिए एक ये गई और देख सकते हैं ये आ चुका है, तो किस तरीके से ये झज्जर हो चुका है, और ये बगल में ही ये नया ब्रिज बनाया जा रहा है कि नए ब्रिज पे ये रेलगाड़ियाँ दौड़ेंगी और पुराने पुल पे बस ये छोटे मोटे व्हीकल मतलब कि 4-व्हीलर 2-व्हीलर 3-व्हीलर यही चलेंगे, मतलब आम पब्लिक के लिए वो चलने के लिए रखा जाएगा, लेकिन उस पर इस पर इंडियन रेलवे की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी गाइस। ये देखिए पुरानी दिल्ली के लिए जा रहा है, इसके अंदर से हो जाएंगे, और ये ऊपर फाटक भी लगे हुए हैं, फाटक भी देखो किस तरीके से यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि पहले एक आने के लिए एक जाने के लिए यहाँ फाटक लगा दिया जाता था, क्योंकि ताकि पब्लिक ऊपर से ना जा सके नीचे से ही जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाम का सामना करना पड़ता था पहले के लोगों को, तो इस वजह से यहाँ पर ये गेट बनाए गए थे कि कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी गाड़ी नहीं जा रही है, तो वही हिसाब से उसी हिसाब से ये बनाया गया था गाइस। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये झज्जर टाइप का ही हो चुका है, पुरानी ये बिल्डिंग है काफ़ी, बहुत झज्जर हो चुकी है, लेकिन फिर भी शुक्र है कि अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ है, और कोई हादसा होने से पहले दोस्तों ये नया ब्रिज बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि फिर इतना बोझ ये जो ट्रेन जो क्या नाम है रेलगाड़ियाँ हैं उनका बोझ थोड़ा वजन कम हो जाएगा, क्योंकि वो नए पुल पर दौड़ने लग जाएंगी नए ब्रिज से, और वो उनकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी, क्योंकि इस पर बहुत मंदी स्पीड में अभी गाड़ियाँ दौड़ती हैं, जो रेलगाड़ियाँ हैं वो बहुत मंदी दौड़ती है। देख सकते हैं इस पर हर जगह आप लोग देखोगे तो ये झज्जरी टाइप का हो चुका है, हर जगह इसमें वो आ चुकी है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस इंफॉर्मेशनल देखते रहो केपी संत के चैनल पर, जो कि केपी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है गाइस। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, अभी मैं पुराने ब्रिज पर हूँ जो यमुना रिवर पर पहली बार बनाया गया था, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर, और इंफॉर्मेशनल के साथ में आप लोगों के बीच में मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। और ये नया ब्रिज बना दिया गया है, जहाँ तक इसके पिलर बन चुके थे वहाँ तक इसमें ये नए वाले ब्रिज को एक्सटेंड कर दिया गया है, आगे के अभी 4-5 पिलर बचे हुए हैं उन पर ही बस काम बाकी रह गया है, तो वो भी आप लोगों को अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोगों को वो नीचे का हिस्सा दिखाएंगे अगली वीडियो में, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। कितना आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई है या नहीं आई है वो आप लोग बता देना, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा आपको बता दूँ मारामूरी रहती है, कितनी गंदगी रहती है दोनों ब्रिज के बीच में नीचे अगल बगल में, देख सकते हैं कूड़ा करकट और ये जितने भी कबाड़ी हैं ना ये यहीं बसे हुए हैं, इसी रेलवे लाइन के कनेक्ट ही हैं, ये आसपास में ही रहते हैं, तो देख सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं दोस्तों, तो देख सकते हैं सब में जंग लगा पड़ा है, ये झज्जर होता चला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से, तो इन्जॉय।